नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता चूँ कि अगर आप आलू खेती करने जा रहे हैं, आलू की खेती के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है खेत की तैयारी। जहाँ हमारे पीछे देख रहे हैं, हमारा आधे एकड़ का प्लॉट है और हम इसमें आलू की रोपाई करने जा रहे हैं। कि आलू की बुआई करते समय हमें खेत की तैयारी किस प्रकार से करना है और बेसल डोज में कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है, बुआई करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पर हमारी लाइव बुआई हो रही है और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आलू की बुआई करते समय, किस तरीके से बुआई करना चाहिए, तो खेत की तैयारी में किस प्रकार से करना। अगर हम सही तरीके से खेत की तैयारी करते हैं तो हम अपने आलू की फसल से बेहद अच्छा रिकात्तर पैदावार ले सकते हैं। और उसके साथ में सबसे ज़्यादा जरूरी कार्य है वो है बेसल डोज। जब हम आलू की रोपाई करने जाए तो हमें कौन सी खाद का बेस्ट डोज का कौन सा प्रयोग करना चाहिए, जिससे हम आने वाले समय में आलू की फसल से बेहद अच्छा रिकात्तर पैदावार ले सकें। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली कि आलू की बुआई करते समय हमें खेत की तैयारी किस प्रकार से करना है और बेसल डोज में कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है और आलू की रोपाई में किस प्रकार से करना है, जिससे हम आने वाले समय में बेहद अच्छा रिकात्तर पैदावार ले सके। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे जो हमारी जानकारी हमारे सभी किसान भाइयों के साथ पहुँच सके, अपने आलू की फसल से आने वाले समय बेहद अच्छा रिकात्तर पैदावार ले सके। जैसे कि यहाँ पे हमारा खेत एकदम ऑलमोस्ट तैयार है और हम आलू की रोपाई करने जा रहे हैं और हम बेसल डोज में कौन सी डोज ले वो आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली, तो इसके लिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो आइएगा हम शुरू करते हैं। किसान भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं खेत की तैयारी। खेत की तैयारी करते समय किसान भाई आपको ध्यान रखना, जो मैं आपको बता रहा हूँ किसान भाई, ये यहाँ पे हमने जो हमारा ये आधा एकड़ का जो प्लॉट है 3 बीघे का, इसको बीघा भी बोलते हैं, 3 बीघे का प्लॉट है आधे एकड़ का, हमने इसमें सबसे पहले 2 बार हमने हैरो से जुताई कराई थी और उसके बाद में हमने इसमें 2 ट्रॉली 3 ट्रॉली सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग करके, काफ़ी हमारे किसान में सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग नहीं करते। तो किसान में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप उन खेतों को देखिएगा जिन्होंने सड़े हुए गोबर की खाद या फिर मुर्गी फार्म की खाद का प्रयोग करा, आप उनके खेतों को देखिएगा, उनमें आपको रिजल्ट सीधे कितना साफ दिखाई देगा। क्योंकि अगर हम सड़े हुए गोबर की खाद का भी इस्तेमाल करते या फिर हम जो मुर्गी फार्म होते हैं उसकी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है, हमारा आलू अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है और उसका कंद काफ़ी ज़बरदस्त होता है, क्योंकि हमारी ज़मीन में खाद की डिफिशेंसी पाई जाती है और हम फसल चक्र नहीं अपनाते हैं, तो जिस वजह से सबसे ज़्यादा जरूरी होता है हमारे सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग अवश्य करें। कम से कम 1 एकड़ में अगर आप बताएं तो आपको कम से कम 4 ट्रॉली का प्रयोग करना है, हमने आधे एकड़ में 3 ट्रॉली सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग करा है। और उसके साथ में अगर हम नहीं करते तो हमें भाई रासायनिक खादों पर निर्भर करना पड़ता है और काफ़ी सारी रासायनिक खादों को अधिक प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। तो आप सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग करें तो आपको रासायनिक खादों का कम यूज़ करना पड़ेगा। अब बात करते हैं किसान भाई की, जैसे खेत की तैयारी मैंने आपको बताया था, हमने 3 बार इसमें हैलो से जुताई कराई थी, 2 बार इसमें कल्टीवेटर से जुताई कराई थी और 2 बार हम पटेला लगा चुके हैं। अभी हम ये बेसल डोज देंगे और उसके बाद में रूटावेटर से खेत तैयार हो जाएगा हमारा जुताई करने के लिए, तो हल्का सा पटेला लगा के इसके बाद में आलू की रोपाई स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं बेसल डोज में हमें कौन सी खाद मैं प्रयोग कर रहा हूँ, अगर आप इस खाद का प्रयोग करें तो आप आलू की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हैं। किसान, ये जो मैं डोज आपको बता रहा हूँ ये आधे एकड़ की बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे आधे एकड़ में रोपाई चल रही है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे लिया है DAP 1 कट्टा 50 किलोग्राम और उसके साथ में मैंने लिया है यूरिया। नाइट्रोजन बेहद अति आवश्यक होता है हमारे आलू की फसल के, उसके साथ में DAP और उसके साथ में मैंने लिया सल्फर। सल्फर लिया है 90% WG फॉर्म में, किसान में उसमें 90% सल्फर है और उसके साथ में 10% में वेंटोनाइट है। आप सल्फर का प्रयोग की बात करें किसान, काफ़ी हमारे किसान आलू की फसल में सल्फर का प्रयोग नहीं करते, लेकिन सल्फर का और उसके साथ में किसान भाइयों मैं आपको बता दूं, हमने एक फंगीसाइड भी लिया है। तो सल्फर की हम बात करें तो सल्फर का प्रयोग हमारे काफ़ी किसान भाई नहीं करते। सल्फर हमारे आलू की फसल में 3 तरीके से कार्य करता है, एक तो पीजिया टॉनिक के, दूसरा हमारा कीटनाशक और फंगीसाइड, तीसरा हमारा खाद के रूप में। तो आपको सल्फर का प्रयोग बेहद करना है, क्योंकि आलू की फसल में काफ़ी सड़ने गलने की समस्या आती है, फंगस की समस्या, तो उस फंगस को ख़त्म करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है सल्फर। तो आपको सल्फर का प्रयोग अवश्य करना, सल्फर की कमी हमारे ज़मीन में कहीं ना कहीं पाई जाती है, तो उस कमी को, उस डिफिशेंसी को पूरा करने के लिए आपको सल्फर का प्रयोग अवश्य करना है। और उसके साथ हमने लिया है पोटास, MOP पोटास लिया है किसान भाई हमने यहाँ पर आधे एकड़ में 20 किलोग्राम। यानी कि इस तरीके से अगर आप डोज आप लेंगे तब आप आलू की फसल से बेहद अच्छा रिकात्तर पैदावार ले पाएंगे, क्योंकि आलू की फसल एक ऐसी होती है कि हमें उसकी जड़ पर ही कार्य करना होता है, क्योंकि जितनी उसकी रूट्स होंगी, जितना उसके जो जड़ें फैलेंगी, जितने उसमें आलू बनेंगे, उतनी हमारी पैदावार अधिक निकल करके आएगी। तो काफ़ी हमारे किसान यहाँ पर गलती करते हैं कि बुआई के समय सही खाद का प्रयोग नहीं करते हैं, सही डोज का प्रयोग नहीं करते हैं, जिस वजह से उनकी जो पैदावार होती है वो कहीं ना कहीं घट जाती है। तो आप इस डोज का प्रयोग करेंगे तो किसान भाई आप 1 एकड़ से कम 400 से 500 क्विंटल आराम से आलू का उत्पादन ले सकते हैं। डोज मैं दोबारा बताना चाहूँगा, 1 कट्टा मैंने आधे एकड़ की डोज है ये, 1 कट्टा मैंने DAP लिया है, 1 कट्टा मैंने यूरिया लिया है, 5 किलोग्राम सल्फर 90% वाली और उसके साथ में हमने 20 किलोग्राम MOP पोटास, उसके साथ में ये फंगिसाइड लिया है। अब इन खादों को डालने के बाद किसान भाइयों हमारी रूटावेटर से जुताई होगी और इसके बाद में
हम इसमें एक पटेला लगे, पटेला लगने के बाद हम आलू की रोपाई स्टार्ट कर देंगे। आलू की रोपाई स्टार्ट करने के आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको रोपाई करते समय हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से रोपाई करना चाहिए, जिससे हम आने वाले समय में आलू की फसल से बेहद अच्छा रिकॉर्ड पैदावार ले सकें। जैसे कि बहुत ही ज़रूरी पॉइंट ये है कि आलू की बुआई करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पर हमारी लाइव बुआई हो रही है और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आलू की बुआई करते समय किस तरीके से बुआई करना चाहिए, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी मिलने वाली। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि हमारा खेत एकदम तैयार था और अब हमारी आलू की खेती बुआई यानी कि जो रोपाई है वो चल रही है, यहाँ पर बुआई हो रही है और किस तरीके से हम आलू की बुआई करना चाहिए जिससे हम आने वाले समय में आलू की फसल से बेहद अच्छा रिकॉर्ड पैदावार ले सकें। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ आलू की बुआई का उत्पादन जो निर्भर करता है वो बुआई पर निर्भर करता है, अगर हम अच्छी तरीके से बुआई करते हैं, अच्छी तरीके से आलू लगाते हैं तब हमें अधिक पैदावार होगा। और आलू की बुआई अलग अलग मेथड से की जाती है, जैसे कि अगर हम बात करें तो सीडल मशीन से भी करते हैं और हाथ से भी करते हैं और बेड विधि से भी करते हैं, लेकिन हम जो बुआई यहाँ पे कर रहे हैं आलू की वो कर रहे हैं हम समतल ज़मीन में और आलू की हाथ से बुआई कर रहे हैं। जैसे कि हाथ से बुआई जो करते हैं काफ़ी किसान भाई को पता है जैसे कि हाथ से आलू की हम बुआई करते हैं, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो इसके लिए आप इस वीडियो को बने रहे अंत तक, बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि मैंने मशीन से भी आलू की बुआई करी थी, लेकिन उससे ये घाटा होता है कि ये तो जैसे कि जो पौधे से पौधे की दूरी तो वो अधिक हो जाती है और सही तरीके से जो होता है हमारा आलू बिगला हो जाता है, जिस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा उत्पादन में घाटा देखने को मिलता है, करीब 20 से 25% घाटा देखने को मिलता है, क्योंकि आलू हमारा बिगला हो जाता है, सही तरीके से ग्रो नहीं हो पाता और हमारा पैदावार कहीं ना कहीं कम हो जाता है। और यहाँ पर आलू से अगर हम समतल ज़मीन पर आलू की बुआई करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी और हमें कितनी गहराई में आलू को बीज को लगाना है, इन चीज़ों को ध्यान रखना। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी ये लाइन से लाइन की जो दूरी है वो करीब 15 से 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी करीब 10 से 12 सेंटीमीटर है, और आप इस तरीके से आलू की रोपाई करेंगे तब आपका जो आलू होगा उसका जर्मिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त होगा और आपका जो पैदावार होगी बहुत ही अधिक निकल के आएगी। क्योंकि ये होता है मशीन से कभी कभी होता है कि हमारे आलू या तो अधिक गहराई में पहुँच जाते हैं या फिर ऊपर रह जाता है, जिससे हमारे आलू पीला पड़ने की काफ़ी हरा पड़ने की काफ़ी ज़्यादा समस्या आती है और हमारा आलू काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हो जाता है, जिससे हमारा 20% घाटा देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम हाथ से बुआई करते हैं तो हम जितना चाहें जैसे कि ये यहाँ पे लगा रहे हैं जितना चाहें हम उतना नीचे गाड़ सकते हैं, यानी कि 8 से 10 सेंटीमीटर हमारे नीचे आलू लग रहा है और उसके बाद में हम मट्टी इस पर चढ़ाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम हाथ से बुआई कर रहे हैं आलू की तो हम बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार ले सकते हैं। और मैं एक चीज़ और ध्यान बताना चाहूँगा किसान भाई कि जब भी आप आलू की रोपाई करने जाए तो उससे पहले आप बीज शोधन अवश्य करें, तभी आप 100% आपका जो जर्मिनेशन वही आप 100% जर्मिनेशन ले पाएंगे। किसान मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ कि हमारे चैनल पर इससे पहले वीडियो पोस्ट हो चुकी है, आप सरसों की खेती करने जा रहे हैं तो सरसों की बुआई से लेकर कटाई तक संपूर्ण जानकारी वाली वीडियो पोस्ट हो चुकी है, और दूसरी वीडियो की बुआई के समय में कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए, तो ये संपूर्ण जानकारी वीडियो वाली हमारी चैनल पर दोनों वीडियो पोस्ट हो चुकी है, तो आप इन वीडियो को देख सकते हैं। आलू की टॉप वेरायटी के ऊपर भी वीडियो हमारी आ चुकी है, अगर आप आलू की टॉप 5 वेरायटी जानना चाहते हैं तो वो वेरायटी वाली वीडियो हमारे चैनल पर पोस्ट हो चुकी है। तो अगली वीडियो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।